दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सेंट्रल जोन डेलीगेसी की ओर से आयोजित 11 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का बुधवार को शुभारंभ हुआ। समारोह की अध्यक्षता करते हुए डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर लाल श्रीवास्तव ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने शतरंज के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इसकी उत्पत्ति का श्रेय भारत का है। इसे महाभारत काल में विशेष चतुरंग के नाम से जाना जाता था। सस्सा नामक व्यक्ति ने इसे मैदान से लाकर इंडोर गेम के रूप में विकसित कर राजा का मनोरंजन किया। भारत से यह खेल फारस, फारस से अरब, अरब से दक्षिण यूरोप, यूरोप से स्पेन पहुंचकर परिष्कृत रूप में विकसित हुआ। आज यह पूरे देश में शतरंज के लोकप्रिय खेल के रूप में स्थापित है। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर मनोज कुमार तिवारी ने किया। इसमें राष्ट्र सेवा योजना के समन्वयक प्रोफेसर केशव सिंह, इतिहास विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मुकुंद शरण त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्र सिंह, मीडिया प्रभारी, क्रीड़ा परिषद के सचिव प्रोफेसर विजय चहल, प्रोफेसर सुनील कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डेलीगेसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर लाल श्रीवास्तव ने कहा, हमारा नाम, मैं डेलीगेसी का ऊपर डॉक्टर सुधाकर लाल श्रीवास्तव। देखिए, ये सेंट्रल जोन डेलीगेसी की व्यवस्था आज से नहीं, 1958 से चल रही है इस विश्वविद्यालय में। इसमें ऐसे छात्र प्रतिभागी होते हैं जो कैंपस में नहीं रहते हैं, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास के लिए इंडोर गेम के रूप में ऐसी व्यवस्था होती है। इसमें हमारे करीब 14 प्रतियोगिताएँ शामिल हैं। 11 दिवसीय कार्यक्रम होगा, ये 24 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक चलेगा। इसमें शतरंज है और टेबल टेनिस है और वाद विवाद प्रतियोगिता है, ये उसके भाषण प्रतियोगिता है, क्विज है, व्यक्तित्व विकास के लिए है और बैडमिंटन है। इसमें तमाम सारे ऐसे हैं व्यवस्था है। और संयोग की बात है कि आज शतरंज का उद्घाटन हो चुका है और शतरंज का खेल की भारत से शुरुआत हुई। इसके पहले ये फारस गया, फारस से अरब गया, अरब से दक्षिण यूरोप गया, दक्षिण यूरोप से स्पेन गया, स्पेन से परिष्कृत रूप में आप विश्व में माना जाना खेल ये शतरंज जाता है। इसका श्रेय भारत को ही है और इसका ये बुद्धिजीवियों का खेल है। इसमें तेज दिमाग चाहिए और जिसके लिए भारत मशहूर है। संयोग की बात अभी देखिए, नासा में हमारे जो एक महिला थी, वैज्ञानिक भारत की थी, ये भारत से खेला जाता है और जिसमें प्रतिभागी, इसमें 12,000 बच्चों का ये प्रतिनिधित्व करता है डेलीगेसी। और ये उसके बाद ये इसमें 1500 लड़कों ने प्रशन कराया है, छात्र छात्राओं ने। इसमें जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे उनको इस डेलीगेसी के संरक्षक और हमारे अध्यक्ष आदरणीय कुलपति जी उनको पुरस्कृत करेंगे, सम्मानित करेंगे।